हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आए दिन नए नए सुर्खियों में आता रहता है, जिसका ताजा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलीभगत कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों और दिशा निर्देशों को ताक पर रख दिया है। हुड्डा अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजस्व को चूना लगाकर गलत कंपिलेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल ने मिलीभगत कर मकान नंबर 1935 पी सेक्टर 9 का कंपिलेशन सर्टिफिकेट एवं रीअलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया है, जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभाग के नियमानुसार कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट विचाराधीन हो या मामला न्यायालय में हो तो विभाग उसका रीअलॉटमेंट लेटर या कंपिलेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। हुड्डा के नियम निर्देश क्या कहते हैं यह आप देखिए। आपने देखा नियमों को कि ये नियम आम लोगों के लिए हैं, जबकि खास लोगों के लिए यह नियम कोई मायने नहीं रखते। यहाँ पर विभाग के जेई ईशम सिंह, एसडीओ राजेंद्र रोहिला एवं संपदा अधिकारी अनुपमा सांगवांग की मिलीभगत यहीं से पता चलती है कि इस मामले को लेकर जब ईशम सिंह से संपर्क किया गया तो वह बोले पता करते हैं, उसके बाद छुट्टी पर चले गए। इसी मामले को लेकर जब एसडीओ राजेंद्र रोहिला से बात की गई तो वह सीधा ही बोले कि मैं छुट्टी पर हूँ। विभाग के संपदा अधिकारी अनुपमा सांगवान से इस मामले में अनेकों बार बात करनी चाहिए तो वह हर बार बचती हुई फोन न उठाकर वह भी छुट्टी पर चली गई। करनाल में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण राम भरोसे ही चल रहा है। जब भी इस प्रकार का कोई मामला हो जाए तो अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निठल्ले और कामचोर लोगों को छुट्टी कर दी है, उन्हीं के तर्ज पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी चाहिए कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की हमेशा के लिए छुट्टी कर दे, जो कि इस प्रकार के कार्य हरियाणा सरकार को भी जनता की नजरों में बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर यह बताना भी ठीक रहेगा कि 1935 पी कॉर्नर का मकान होकर सेमी कॉर्नर का प्लाट है, जिसमें आज भी न्यायालय में केस विचाराधीन है और मौके पर पिछले साइड आज भी गेट लगा हुआ है। इसमें कौन से आर्किटेक्ट द्वारा कंपटीशन रिपोर्ट गलत की, इसकी भी जांच होना अनिवार्य है और इसका लाइसेंस रद्द होना भी अनिवार्य है। यहां हम आपको बता दें कि मकान नंबर 1177 सेक्टर 9 के निवासी यशपाल जोशी ने विभाग को बकायदा लिखित में इसकी शिकायत भी दी है और मामले को न्यायालय में भी डाला है, जिसमें विभाग न्यायालय में स्वयं भी पेश होता है। उसके बावजूद भी सबको अनदेखा करके कंपिलेशन व री अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। शिकायतकर्ता यशपाल जोशी क्या कहते हैं यह भी आप सुनिए। विवाद आपका किसमें केस डाला आपने? मेरा विवाद यह है जी कि मैंने 2000 में हुड्डा प्लाट लेकर मकान बनाया था और उसके साथ मेरा एक और प्लाट था जिसका दक्षिण में रास्ता था। अभी 2 साल पहले एक मुकेश जी प्रॉपर्टी डीलर ने मकान प्लाट लिया हुड्डा से 1935 पी, वो सेमी कॉर्नर था और उसने अनलीगल पीछे बाथरूम वगैरह और गेट वगैरह साइड में खोल के 13 फुट पे कब्जा कर लिया हुड्डा की सड़क के ऊपर जो मेरे घर के सामने थी, जिसकी कंप्लेंट मैंने हुड्डा विभाग को 21/3/17 को कर दी थी। जब वो कब्जा कर रहा था उसने एंकल लगा दिए, वहाँ पौधे लगा दिए, लेकिन हुड्डा विभाग ने उसको कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मेरे को नोटिस भेज दिया कि ये आपने अनलीगल बना रखा, आपको उनको पड़ा होगा। बार बार कंप्लेंट करने के बाद हुड्डा विभाग ने उनके जो एंगल थे वो कटवा दिए, लेकिन ना तो उन्होंने उसका जो अनलीगल रास्ता खोला हुआ वो बंद कराया और जो 13 फुट का कब्जा था वो भी नहीं छुड़वाया आज तक, जिसकी बार बार मैं हुड्डा विभाग को कंप्लेंट करता रहा हूँ, सीएम विंडो पे डाली है, कोर्ट में केस डाला है, लेकिन कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। और अब हुड्डा विभाग ने क्या किया है कि कोर्ट केस चलते हुए एलसी पॉइंट होते हुए उन्होंने हुड्डा विभाग ने मिली भगत करके हुड्डा का जेई मेरे घर आया, मेरे को धमकाया उसने आकर के कंप्रोमाइज कर लो नहीं तो हम उसका कंप्लेशन कर देंगे और तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और उन्होंने उसका कोर्ट केस चलते हुए कंप्लेशन भी कर दिया, प्लाट भी ट्रांसफर कर दिया, जबकि मेरे को ना तो उन्होंने जो अनलीगल रास्ता वो बंद कराया और ना उनके जो फ्रंट के थे छज्जे वगैरह वो तोड़े। उल्टा मेरे को फिर नोटिस भेज दिया कि आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपने अनलीगल बना रखा आप तोड़ दो, जबकि मेरा 2000 के अंदर कंप्लेशन हुआ होगा, 20 सालों के मकान बने हुए, मैंने कोई गलत नहीं बना रखा हुड्डा की जमीन में और मेरे को उल्टा धमका रहे हैं आज भी अफसर। अब क्या शिकायत की आपने? अब मैंने शिकायत की थी कि जो इसका रास्ता बंद करवाओ और इसका कंप्लेशन बंद करो, लेकिन उन्होंने
उल्टा मेरे पे प्रेशर डाला और अभी जो नेक्स्ट डेट लगी हुई है 24/7 लगी हुई है हुड्डा की, और उसके अंदर क्लियर है कि जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा है तो ये ना तो ट्रांसफर कर सकती है, ये उसकी अथॉरिटी है हुड्डा की, ना तो ये केस ट्रांसफर कर सकते हैं और ना कंप्लीशन कर सकते हैं। लेकिन हुड्डा के जेई एसडीओ ईओ ने मिलकर उसको प्लाट का ट्रांसफर भी कर दिया, कंप्लीशन भी दे दी, जो नाइंसाफी है। तो कोर्ट में क्या एप्लीकेशन दी आपने? कोर्ट में एप्लीकेशन ये दी थी कि इन्होंने अनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है और 13 फुट सड़क पे कब्जा कर रखा है, अनलीगल रास्ता खोल रखा है, गेट खोल रखा है मेरे घर के सामने। यदि कोई हम गाड़ी वगैरह स्कूटर खड़ी करते हैं सड़क के ऊपर तो आगे लड़ने पड़ जाते हैं कि ये हमारा हुड्डा ने हमारे को दे रखा 13 फुट, जबकि कुछ नहीं दे रखा। तो अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो अनलीगल कब्जा कर रखा है उन्होंने, अनलीगल गेट खोल रखा है साइड में वो बंद हो, जो आगे सज्जा अनलीगल बना रखा है वो बंद हो, जो मैंने केस डाल रखा है वो यशपाल अवस्थी हुड्डा डाल रखा है और पार्टी है मुकेश 1935 वाला। लेकिन हुड्डा के अंदर केस, कोर्ट के अंदर केस चलते हुए हुड्डा विभाग ने, अफसरों ने मिलकर मुकेश से ये कंप्लेशन भी कर दिया केस चलते हुए और ट्रांसफर भी कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। और उल्टा हुड्डा विभाग के अफसर इनको वो कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपको प्रणाम उतने बनेंगे और आप अपना मकान जो मैंने अलीगढ़ बनाए रखा वो इसको तोड़ो। और कोर्ट के अंदर भी केस पेंडिंग है, अभी एलसी अपॉइंट हुआ था, एलसी देख के आया, रिपोर्ट दिया उसने कि गेट खुला हुआ है, कब्जा किया हुआ है, फ्रंट बना हुआ है,